Hello, student of class 8. Good morning. A very good morning. Myself, Swaroop Subhas, started going to teach you today history, chapter 4, tribal resistance. And today is the part 4 of this chapter. And also today is the last day of this chapter. Okay. So, शुरू करते हैं आज की class. पहला हम लोग heading शुरू करेंगे tribal revolts. पहली heading हमारे आज की क्या है? पहला topic जो है जिसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे tribal revolts. ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में, यानी कि ट्राइबल की जो क्रांति थी वो क्यों हुई, कैसे हुई और उसकी वजह क्या थी, ये आज हम डिस्कस करेंगे. तो इंडियन ट्राइब्स फेस्ड ऑपरेशन थ्रू आउट ब्रिटिश रूल. इंडिया के जो ट्राइब्स थे वो ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशन के कारण काफी प्रॉब्लम्स में थे. व्हाइल सम ऑफ द ऑपरेशन ट्राइबल्स माइग्रेटेड टू अदर रीजन, कुछ ट्राइबल पीपल जो थे वो दूसरे रीजन में अंग्रेजों की वजह से चले गए थे. एंड सम अदर टुक द रोड टू रॉबरी, कुछ लोग रॉबरी यानी कि डाकू बन गए थे. एंड सम ट्राइब्स रोज इन रिवॉल्ट, कुछ ट्राइब्स ने रिवॉल्ट करने का निश्चय किया, यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग रिवॉल्ट करेंगे, यानी कि डिसाइडेड टू रिवॉल्ट. सम आर माइग्रेटेड एंड सम आर बिकमिंग रॉबर्स. ओके, नेचर ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का नेचर क्या था, पहले हेडिंग हम इसमें. अब ट्राइबल रिवॉल्ट्स में उनकी नेचर का तरीका कैसा था, तो नेचर ऑफ रिवॉल्ट इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नेचर ऑफ रिवॉल्ट कैसा था, तो देखिए कि द ट्राइबल रिवॉल्ट लेड टू अनइक्वल कन्फ्रंटेशन बिटवीन द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड आर्म्ड विथ गन्स. ट्राइबल पीपल के पास गन्स वगैरह नहीं थे, वो तीर धनुष से लड़ाई करते थे. तो ये देखते, एंड ट्राइबल रेबल्स आर्म्स विद बोज एरोज एक्सेस एंड स्पियर. ट्राइबल पीपल के पास लड़ने के लिए सिर्फ क्या था, एरो था, एक्सेस था, स्पियर था, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूक थी, तलवारें थी, तोप थी, ये सारी चीजें थी. तो कैसे वो लोगों ने युद्ध लड़ा, तो नेवरदलेस थाउजेंड ऑफ ट्राइबल्स फॉट टिल देयर लास्ट ब्रेथ. अंतिम सांस तक कई हजार ट्राइबल पीपल ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ. देयर वेयर ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन मेनी रीजन इन इंडिया, अलग अलग रेंज इंडिया के अलग अलग स्टेट में ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए. एंड अमंग दोज हु रिवॉल्ट्स वेयर द संथाल्स ऑफ बंगाल. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बंगाल में संथालों का रिवॉल्ट. ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इन बंगाल, बंगाल में जो संथाल थे उनका रिवॉल्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था. तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे. ओके, अब देखिए बंगाल, बिहार एंड झारखंड एंड मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, भील इन सेंट्रल इंडिया, खासीज एंड गारो इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एंड द ट्राइबल पीपुल ऑफ सेंट्रल इंडिया हु वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, जिन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा. अब फॉरेस्ट लॉ का बनाया गया था 1930 में. और क्विट ऑफ एन ऑपरेस्ड नॉन ट्राइबल पीपुल ऑल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट. और जो नॉन ट्राइबल पीपुल थे उन लोगों ने भी अंग्रेजों के इस रेजोल्यूशन का विरोध किया और ट्राइबल पीपुल का क्या किया, साथ दिया कि नहीं हमारे साथ जो हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ. हालांकि इसमें जीत ट्राइबल पीपुल की नहीं हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन कुछ हद तक कामयाबी मिली. अब देखिए मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट दूसरा हम डिस्कस करेंगे. मुंडा रिवॉल्ट ये कब से कब तक चला, इसका टाइम पीरियड है 1897 से 1900, यानी कि 1897 टू 1900, मतलब 3 सालों तक ये रिवॉल्ट चला. और ये रिवॉल्ट जो था ट्राइबल पीपल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवॉल्ट माना जाता है. हुआ क्या इसमें कि द मुंडाज वेयर अ पीस लविंग ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर रीजन. मुंडा जो थे वो छोटा नागपुर के रहने वाले थे, पीस लविंग थे, मतलब उन्हें शांति ज्यादा पसंद थी. ठीक है, बींग रिगार्डेड एज द ओरिजिनल क्लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, जब उन्हें ऐसा लगा कि जंगल साफ हो रहे हैं. मुंडा हैज ऑलवेज एंजॉयड प्रेफरेंशियल लैंड राइट इन देयर रीजन, उनको जो जमीन मिलती थी उसी से वो क्या थे, उस एरिया में खुश. लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल दे वेयर डिनाइड द प्रिविलेजेस बाय द क्रूज सच एज अ मनी लेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, क्रिश्चियंस मिशनरीज एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स. लेकिन जब वो ब्रिटिश के अंडर में आए तो उन्हें इन सब चीजों, यानी कि उनके जमीन पर उन्हीं को खेती करने से रोका गया. ठीक है, उन्हें दिकूज, दिकूज का मतलब होता है बाहर कर दिया गया. मनी लेंडर से पैसे लेने के लिए प्रेशराइज किया गया, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करने के लिए प्रेशराइज किया गया, और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा उनके धर्म को भी परिवर्तन करने की कोशिश की गई. इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी का मतलब ये 19th सेंचुरी ही चल रहा है, 1897 टू 1900 को हम लेट 19th सेंचुरी ही बोलेंगे, लेट का मतलब बाद में.
ओके बिरसा मुंडा लेड एन आर्म्ड रिवोल्ट ऑफ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए या आजादी पाने के लिए कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुंडा रिवोल्ट की अनाउंसमेंट 1897 में की। ओके बिरसा मुंडा 1875 टू 1900 वाज प्रोबेबली बोर्न इन ओलिहातू इन रांची झारखंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के रांची में हुआ था। ही रिसीव्ड सम एजुकेशन फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज। उन्हें कुछ शिक्षा जो थी यानी कि एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरीज से मिली थी, लेकिन बाद में वैष्णव इन्फ्लुएंस यानी कि वैष्णव धर्म को वो मानने लगे। एज अ यंग मैन बिरसा बिकेम सेंसिटिव टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द मुंडास बाय द दिकूज। जब उन्हें दिकूज का सामना करना पड़ा, मतलब जब अंग्रेज उन्हें बाहर करने लगे, तब उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। ही ज्वाइंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेकिंग ओवर अ विलेज वेस्टलैंड बाय द ब्रिटिश। और ही ज्वाइंड अ प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया अगेंस्ट टेकिंग ओवर द विलेज वेस्टलैंड। जब खाली पड़ी जमीन को अंग्रेज अपने कब्जे में ले रहे थे, अपने अधिकार में ले रहे थे, तब उन्होंने इसके लिए क्या किया, रिवॉल्ट किया या जब प्रस्तुत हो रहा था उसमें जाके पार्टिसिपेट किया। इन 1894 द फेलियर ऑफ द मानसून कॉज्ड बाय डिस्प्यूट स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स। 1894 में एक बहुत बड़ा क्या हुआ, मानसून का फेलियर आया जिससे फसल पैदा नहीं हुई, स्टारवेशन हुआ और एपिडेमिक्स आया। बिरसा डेडिकेटेड सर्विस टू द स्टार्विंग एंड द सिक अर्न्ड हिम टू टाइटल धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ एंड द लीडरशिप ऑफ हिज पीपल। बिरसा ने अपने आप को डेडिकेट किया किसके लिए, बीमार आदमियों के लिए, जो आदमी बहुत कष्ट में थे उनको डेडिकेट किया, इसलिए उनको क्या बोला जाने लगा, उनको टाइटल मिला धरती आबा। बिरसा मुंडा को क्या टाइटल मिला, धरती आबा, DHARTA धरती आबा, ठीक है, जिसे फादर ऑफ अर्थ बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, फादर ऑफ अर्थ, फादर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये कब की बात है, 1894 की बात है। ओके धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ओके धरती आबा एज लीडर ऑफ द मुंडास, मुंडास के लीडर होने के कारण ही डिमांडेड द रिमिशन ऑफ द फॉरेस्ट टैक्सेस। वो चाहते थे कि फॉरेस्ट टैक्स में उन्हें क्या दिया जाए, छूट दी जाए। ब्रिटिश से उन्होंने रिक्वेस्ट की, ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया एंड द एक्सप्लोइटेशन कंटिन्यू, और उनके साथ ज्यादती यानी कि बहुत ज्यादा चीजें उनको गलत तरीके से पेश की गई। आफ्टर हिज रिलीज इन 1897 में जैसे ही वो जेल से बाहर आए, बिरसा लेड अ मूवमेंट विच सोट टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट। तब उन्होंने मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत की, मुंडा रिवोल्ट 1897 में शुरुआत की। वो चाहते थे कि मुंडा लोगों का यानी कि झारखंड एक अलग स्टेट हो जहां पे ट्राइबल पीपल मेनली मुंडा पीपल रहे, ठीक है। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन द ट्रेडिशनल मैनर। वो चाहते थे कि उनकी जाति के लोग ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब जो उनका ट्रेडिशनल काम करने का तरीका है, उसी तरह से वो उसके मतलब लाइवलीहुड को चलाए इन देयर ट्रेडिशनल मैनर एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करें, सुधारे। ही ऑर्ड देम टू यूनाइट अगेंस्ट एंड द दिकूज। जितने लोग को बाहर निकाला गया था उन लोगों से उन्होंने एक साथ आने की बात कही। इट इज सेड दैट बिरसा क्लेम्ड टू हैव miraculous power by which he could turn guns and bullets into water. उन्होंने बिरसा मुंडा ने क्लेम भी किया और उनके पास miraculous power थी, miraculous power थी जिस, और इसी की बदौलत उनके पास जितनी भी bullets थी, guns थी, उसको उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर छुपा दिया। By which he could turn guns and bullets into water. बिरसा won many followers. बिरसा ने कई चीजों को जीता, कई followers को जीता। His slogan, उनका slogan था क्या, अबुआ राज स्ते जाना, अबुआ राज स्ते जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि महारानी राज टुंडू जाना, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी एस्टैब्लिश। मतलब कि ब्रिटेन का राज जाएगा, ब्रिटेन की रानी का राज जाएगा और हमारा राज क्या होगा, आएगा। द ब्रिटिश केम डाउन हेवीली ऑन द मुंडास। मुंडा के सामने ब्रिटिश ने क्या किया, धीरे धीरे वो लोग डाउन होने लगे। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द 19th century के लास्ट टाइम में, मतलब जब 1899 चल रहा था, देयर वर सेवरल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुंडास। मुंडास और ब्रिटिश पीपल के बीच कई सारे युद्ध देखने को मिले। मेनी मुंडा मेन एंड वोमेन फाइटिंग विद बोस। कई सारे मुंडा मेन और वोमेन सब लोग तीर धनुष एक्सेस कैटापुल्ट से लड़ाई करते थे, साथ में फेल टू ब्रिटिश बुलेट्स।
इवन चिल्ड्रेन वेयर नॉट स्पार्ड, मेनी मुंडाज वेयर अरेस्टेड, जबकि अंग्रेज इस युद्ध में भारी पड़ गए, कई सारे मुंडा को अरेस्ट किया गया, एंड बिरसा टू वॉज अरेस्टेड, बिरसा को भी अरेस्ट किया गया एंड इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया रांची के, एंड वेयर ही डाइड इन, जहां उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही, आज ये चैप्टर 4 क्या हुआ, खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी या पॉलिटी के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।